संत जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ये मेरे सभी दोस्तों को आरती सब ले लीजिए, मेरे YouTube की फैमिली सभी लोग आरती ले लीजिए। जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री गणेश, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, जय हनुमान जी, जय खाटू श्याम नरेश, सभी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। गाइज, मॉर्निंग हो चुकी है और मॉर्निंग के बजे हुए हैं 8:30। जी हाँ गाइज, आप लोग देख सकते हैं और बाहर का वेदर क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। थोड़ी थोड़ी धूप खिली हुई है, अच्छा वेदर है काफ़ी, आप देख सकते हो। मतलब ठंड है, ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं है, काफ़ी ठंड है। ये देखिए कोहरा अभी भी हो रहा है क्योंकि कल नाइट तो मतलब हवा बहुत थी इसलिए कोहरा पड़ा हुआ है। और पता नहीं खुल के धूप निकलेगी या नहीं निकलेगी, आई डोंट नो, लेकिन जब खुल के धूप निकलेगी मैं तो भाई तभी आऊँगी बाहर, इससे पहले तो मैं बाहर आने वाली नहीं हूँ। गाइज, कृष्णा और आदित्य सोए पड़े हैं, आज इनको स्कूल नहीं जाना था। गाइस, दूध भी आ चुका है तो कशिश बनाने जा रही है गर्मा गर्म चाय, आप बने रहिएगा मेरे साथ। गाइस, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया, मैं भूल गई, मैंने इसको ढक दिया और यहाँ पे मेरा दूध निकल। गाइज, रियली दिस इज टू मच मी, मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरी मदर भी बोलती है कि तुम अपनी किचन में क्या करती हो, तुम गाना गाती हो, गाना गुनगुनाती हो, तो मैं क्या करूँगा, इट्स माई फितरत। अब पता इस चक्कर में मेरे इतने सारे काम भी कर जाते हैं, आप लोग भी देख सकते हो कि मेरी कभी चाय जल जाती है, कभी मेरी रोटी जल जाती है, कभी मेरी ब्रेड जल जाती है, कभी दूध निकल जाता है। ओ माई गॉड गॉड गॉड, और मेरे लिए कितना काम पड़ गया, मैं उसको क्लीन करना है। चाय लेके जाने वाली थी लेकिन अभी नहीं ले सकती हूँ, पहले कर लेती हूँ उसको क्लीन और उसके बाद में चाय पीती हूँ। काम बिगड़ गया गाइज, सुबह सुबह ये चाय और दूध निकल जाना, सीरियसली मूड की ऐसी की तैसी हो जाती है, सच में बता रही हूँ आपको मैं। ये देखिए गाइस, फिलहाल मैं क्या लेके आई हूँ अपने लिए, ओनली 4 पार्ले जी एंड थोड़ी सी नमकीन और गर्मा गर्म चाय। ओ माई गॉड, यू कैन सी गाइस, अभी अभी जस्ट मैं यहाँ पे बैठ गई, यहाँ पे मैंने अपनी चाय रखी थी और यहाँ पे मैं जैसे ही बैठी ना एकदम चट से आवाज़ आई और गाइस ये काम बिगड़ गया यार। ओ माई गॉड, ये कैसा अपशगुन है, कुछ अपशगुन है क्या गाइस, मुझे तो पता नहीं है यार, प्लीज़ मुझे बताना, क्योंकि आज वैसे भी मुझे थोड़ा शूट करने के लिए जाना था बाहर, तो ये अपशगुन हो गया। तो जी गाइस, हम घड़ी में बजे हुए हैं अभी, आप देख सकते हो 10 बजे हैं और यहाँ पे मैंने अपनी यूनिफॉर्म निकाली है, यहाँ पे मैं आयरन कर रही हूँ बिकॉज आज करना है मुझे शूट। देखिए गाइस, यहाँ पे बन गए हैं गरम गरम पराठे और यहाँ पे टाइम हो चुका है 10:30 और जी आ गए हैं। नमस्कार जी, राम राम जी, कैसे हो जी? खूब, भगवान बना रखे और मालिक खूब गुणगान रखे कुछ ही रखे सब जगह और मजे ले। अच्छा, और भगवान करे भगवान क्या करे, अरे मौज करे और क्या करे। अच्छा, ये देखिए कशिश ने नाइट को भिगो दिए थे ये बादाम, मूंगफली और किशमिश, और यहाँ पे 2 दिन पहले मैंने ये चने भिगोए थे जो अब ये अंकुरित हो चुके हैं, इनको बोलते हैं स्प्राउट। इसे मैंने डाली है हरी मिर्च, प्याज और टमाटर। जी हाँ गाइस, और अब इसको खाया जाएगा। वाओ, और बहुत लाइट नमक, सेंधा नमक डाला है, बहुत लाइट। सो आप लोग ज्वाइन कीजिए कशिश के साथ। गाइज, यहाँ पे तो लेके आई हूँ मैं ब्रेकफास्ट, लेकिन उससे पहले यहाँ पे टाइम देख लेते हैं, 11 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ कि पहले इन्हीं को ब्रेकफास्ट करा देती हूँ, मेरा लेट ही हो रहा है, 11 बज गए। तो अभी आ चुके हैं हमारे ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, ये लो तुम्हारा खाना आ गया। चलो गाइज, इनका खाना डाल देते हैं। तो जी गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ अपने शूट के लिए। जी हाँ, मैं जा रही हूँ शूट के लिए और जहाँ पे भी जा रही हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा मेरे साथ। Thank you.
जी गाइस आफ्टर शूट मैं जा रही हूँ फूड कोर्ट में, मुझे बहुत भूख लगी है, आइए आपको दिखाती हूँ। गाइस शूट करते करते मुझे लग रही है बहुत जोरों से भूख, तो मैं बर्गर ऑर्डर किया है, बर्गर ऑर्डर आने वाला है। गाइज आप लोग भी ज्वाइन कीजिए, कशिश देखो कितना सारा खाएगी। ओ माय गॉड दिस इज फॉर यू गाइज। अब भी आइए, फाइनली कुछ रील्स बना ली हैं और कुछ रील्स बनाने के लिए जा रही हूँ। आई एम रियली सो टायर्ड गाइज, लोकेशन का क्या ही कहूँ मैं, क्या ही कहूँ, क्या लोकेशन है, क्या क्या है लोकेशन, तो ढूंढने से मिलती है ना, और टाइम इतना है ही नहीं कि लोकेशन ढूंढ ली जाए। चलो जो भी है अभी जाती हूँ, कुछ शूट कर लिए हैं और अभी कुछ शूट बाकी हैं। चलिए गाइज नैया पार लग जाएगी। हम आए हैं यहाँ पार्क में शूट करने के लिए, इसी देखिए कितना बड़ा पार्क है गाइस। देखिए गाइस यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, क्या ही है यार, यहाँ न्यू विजिट कर रही हूँ यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे झूले भी हैं, ये देखिए गाइस शूट के लिए कितनी अच्छी जगह है, यहाँ बैठ के शूट कर लो। गाइस आज मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ अपने घर के नज़दीक पार्क में हर जगह पे, क्योंकि जा नहीं पाई हूँ मैं तो। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हल्का हल्का धूप निकली हुई है और ठंड है। ये देखिए यहाँ पे भी अच्छा शूट हो सकता है अच्छा सा, तो बहुत बड़ा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, आगे तक का पार्क है। चलिए कर लेते हैं शूट। गाइस सारा शूट हो चुका है, काफी थक गई हूँ मैं, स्वेटिंग हो रहा है, और यहाँ पे आप झूले देख सकते हो, यहाँ पे एटमॉस्फेयर देख सकते हो, काफी अच्छा लगा मुझे। और मैंने ये लोकेशन भी विजिट किया, काफी अच्छा है, ठीक है आप आ सकते हो पिकनिक वगैरह के लिए, ठीक ठीक है, मतलब नॉट बैड नॉट गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन ये अच्छा जब है जब ऐसे कर सकते हैं, मुझे पता ही नहीं इसका प्रोसेस क्या है। तो मैंने किया यहाँ पे, ये भी इंजॉय लिया मैंने, और अभी आफ्टरनून का टाइम है, लंच का टाइम हो चुका है, घर जाना है, तो अंकल को खाना बनाना है, तो चलिए घर चलती हूँ मैं। अब हाइट बढ़ाने का अच्छा है, चले गए चलते हैं घर की तरफ। अब मैं सीधे मिलूंगी आपसे घर पे। गाइज मैं वहाँ से आई हूँ शूट करके, और अंकल को देखो आज थोड़ा लेट हो गया है, तो चबी से चिल्ला रहे हैं, क्या हुआ बाबूजी? हमें भी रोज दे देना। अच्छा भूख लग रही है, भूख लगाई है। तो जी गाइज यहाँ पे मैंने फटाफट आलू मटर टमाटर की सब्जी रेडी की है, और आप देख सकते हो चपाते हैं, उनको भूख लग रही थी, जल्दी से बनाया मैंने खाना, ये लीजिए खाना रेडी है। गाइज अंकल ने खाना खा लिया, आदित्य ने खाना खा लिया, कृष्णा ने खाना खा लिया, लेकिन अभी मैंने जैसे कुकर देखा तो कुकर में सब्जी नहीं थी, तो सब्जी हो गई ख़त्म। आलू मटर टमाटर की थोड़ी सी ही बनाई थी, दो आलू की, क्योंकि आलू उबले हुए रखे थे इसलिए मैंने बना दी थी फटाफट, लेकिन अभी कृष्णा को तो पता ही नहीं था, वो सारी सब्जी उसमें से ले गया, तो मेरे लिए खाना नहीं बचा और मैं रह गई भूखी। तमीज सीख लो तुम लोग, तमीज सीख लो, यहाँ बैठे हो इन कपड़ों पे मेरे पे पॉटी करोगे तुम लोग, हैं थप्पड़ लगेगा खींच के, ध्यान से सुन लो मेरी बात, ध्यान से। तो जी दोस्तों वर्कआउट हो चुका है मेरा, ज़्यादा नहीं किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया वर्कआउट मैंने, कम ही किया है, थक रही थी मैं, और अभी मेरे डांस क्लास के बच्चों का टाइम हो चुका है, तो बस चाय बनाऊंगी क्योंकि अभी 10 मिनट हैं, 10 मिनट में चाय वगैरह बना लेती हूँ, फिर डांस क्लास के बच्चों के साथ मिलते हैं। बच्चे आ चुके हैं डांस क्लास के, और आराध्या हटो, वो न्यू स्टूडेंट है, उससे इंट्रोड्यूस करने दो। हेलो मारवी, कैसे हो आप? से हाई टू ऑल माई फ्रेंड्स। हेलो। अच्छा तो आपको डांस पसंद है, तो शी इज़ ए न्यू स्टूडेंट, तो अभी डांस करेंगे, मस्ती करेंगे, तो अभी उसका न्यू एडमिशन है, आज फर्स्ट डे है ना आपका, चलो तो फिर इन्जॉय कर। गाने पे आप डांस करते हो घर पे? कौन से गाने पे, कौन सा पसंद है आपको गाना? मामा कोई
किसी पे भी कर लेते हो? माय गॉड, मल्टी टैलेंटेड है वो, ऑलराउंडर है। और गाइस, आफ्टरनून में तो मैं भूखी रह गई थी, लेकिन अभी तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे मटर पनीर। जी हाँ, मतलब मैं दिल की भड़ास निकाली, मैंने कहा मैं भूखी रह कैसे गई, मेरे को तो अभी मटर पनीर ही खाना है। तो मैंने मंगाया पनीर और मैंने यहाँ पे बना दिया मटर पनीर, और यहाँ पे राइस भी बना रही हूँ। आइए गाइस, ज्वाइन कीजिए कशिश के साथ ये डिलीशियस डिनर।